गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 7.6। ठीक है, एक्सरसाइज 7.6 में क्या है वो सब चीज़ें हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, ये दे रखा है एक्स साइन ओवर सेक्स, तो हमने बताया कि इसको फर्स्ट फलन सेकंड फलन किसको मानेंगे। तो देख लिया जाए कि फर्स्ट फलन यहाँ से एक्स जो साइन ओवर सेक्स है उसको फर्स्ट फलन मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड फलन अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे x को सेकंड फलन मान लेते हैं। ठीक है, वही काम करना है फिर से, i इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से अगर देख लिया जाए ये हमारे पास फर्स्ट फलन को रोक देंगे, मतलब साइन इनवर्स को रोक देंगे। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ से देख लिया जाए साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर निकलेगा। भाई यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा कि यहाँ से इनटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू निकलेगा। क्लियर है कि नहीं, यहाँ से अगर देख लिया जाए तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 बाहर ले लें, पूरा 1/2 बाहर ले लें तो अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी, अंदर निकल के आएगी एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट का पोजीशन बनेगा कि नहीं। तो आई इक्वल टू अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ से अगर देख लिया जाए कितना बनेगा, ये बनेगा 1/2। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर देख लिया जाए 1 अगर जोड़ दें 1 घटा दें और प्लस का एक्स स्क्वायर अपान में अंडर रूट अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे सिचुएशन क्या निकल के आएगी, यहाँ बनेगी 1 - x2, ये तो बात लिखी जा सकती कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब आई इक्वल टू क्या बना दें, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू, ये हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, ये बनेगी 1/2। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ से अगर देख लिया जाए, अब इसकी इंटीग्रेशन भी तो करना है। ठीक है, तो 1 ये अगर देख लिया जाए 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास 1 - x2, यही तो बात निकल के आएगी, अपान में कितना, अंडर रूट 1 - x2। बोलो भाई यहाँ से कितना बनेगा, 1 - 1, यहाँ से माइनस सिन कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 - x2। ठीक है, यही तो वैल्यू निकल के आएगी, तो i इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू में कितना बनेगा, ये वैल्यू देखना, ये था माइनस का यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान रखें ये माइनस का है, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये बनेगा यहाँ पे 1/2, तो इसका मतलब भाई यहाँ पे सिचुएशन वही तो बन के आएगी, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये तो निकल के आएगी। अब देख लेते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, इसका तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी 1/√ का 1 - x2। ठीक है, माइनस का अगर देख लिया जाए ये क्या बन के आएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास 1 - x2। ठीक है, और अपान में ये निकलेगा हमारे पास अंडर रूट 1 - x2। राइट, क्लियर है कि नहीं क्लियर। यहाँ से अगर देख लिया जाए हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, ये आई इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। ठीक है, और 1/2 ये बनेगा अपान अंडर रूट 1 - x2। ठीक है, और ये बनेगा प्लस का 1/2, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 - x2। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, ये तो हमारे इंटीग्रेशन में था पोर्शन, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे एक बात समझो, ये इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका अगर देख लिया जाए ये कैसे बनेगा, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है फार्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो फार्मूला जो निकल के आता है वो बनता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे बनता है ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये बनता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, ये फार्मूला एक होता है, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे फार्मूला, तो देख लिया जाए हमारे पास सिचुएशन क्या निकल के आएगी, यहाँ पे देख लिया जाए ये बनेगा आई इक्वल टू ये सिचुएशन बन रही है एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं नहीं तो आ नहीं पाएगा, ठीक है, ये इधर इधर लिख देते हैं सिचुएशन बना के। देखें ये बनेगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू। ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बनेगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और प्लस का अगर देख लिया जाए ये कितना हो जाएगा एक्स बाई फोर, ठीक है। ये भाई अगर देख लिया जाए यहाँ से वैल्यू ये वाली रखेंगे तो यहाँ से कितना देगा एक्स बाई फोर अंडर रूट का वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, यही तो बात निकल के आएगी। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं तो देखें क्या बनेगा। आई इक्वल टू व्यवस्थित करने पर जो टर्म हमारे पास जोड़ने वाला जोड़ देते हैं तो जो घटाने वाले को घटा देंगे, ठीक है। देख लेते हैं क्या कि ये सिचुएशन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस ये वाला यहाँ से अगर जुड़ेगा, ठीक है, देखें ये भाई टू होगा यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे कितना बनेगा, देखो साइन वन बाई फोर इंटू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे कितना वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, यही तो बात निकल के आएगी, ठीक। और प्लस का अगर देख लिया जाए एक्स बाई फोर अंडर रूट का वन माइनस एक्स स्क्वायर एक, तो ये वाला टर्म था, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन को और थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या निकल के आई इसकी अगर बात कर लें हम लोग, ठीक है, ये प्लस सी तो रहेगा ही, यहाँ से अगर आई इक्वल टू कर देख लिया जाए दो से मल्टीप्लाई करा दो, साइन स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेते हैं तो दो से मतलब टू एक्स स्क्वायर माइनस का वन, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा बाई फोर इंटू का कितना साइन इनवर्स एक्स प्लस का एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं फिर चीज़ों को एक बार फिर से समझा देते हैं कि जिससे आपको पूर्ण रूप से बातें समझ में आ जाएं, ठीक है। जो आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है तो आंसर बन रहा है वन बाई फोर टू एक्स स्क्वायर माइनस वन साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो एक बार फिर से समझे सिचुएशन क्या निकल के आ रही, यहाँ पे मेनली आपको ये ध्यान देखना है कि ये फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला है आगे एक्सरसाइज का लेकिन इम्प्लीमेंट यहीं पे हो रहा है तो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। और भी फार्मूला इसी टाइप से होते हैं, ठीक है, तीन फार्मूले होते हैं, ठीक है, एक होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एक होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों फार्मूले हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो है मतलब फार्मूले हैं, तो ये जो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा था तो उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब सिचुएशन क्या बन रही, एक दो बार वीडियो को अच्छे तरीके देखोगे तो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। इसके पहले की बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर सिक्स की, क्वेश्चन नंबर सिक्स की, क्योंकि इस पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, लेकिन आसान क्वेश्चन है, हो सकता है चीज़ें जो है ना हो पा रही हो, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे अगर हम लोग मूव करें तो दे रखा है क्वेश्चन नंबर सिक्स कि एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है, ये है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखें, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे अगर देख लिया जाए तो लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर को, ठीक है। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको पता है लॉग एक्स का हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और हमने एक बात बताई थी फर्स्ट फंक्शन उसी को मानते हैं जिसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू लॉग एक्स, सेकंड फंक्शन कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आई इक्वल टू अगर देख लिया जाए यहाँ पे क्या लगेगा, वही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, फर्स्ट फंक्शन को रोक देंगे मतलब लॉग एक्स को रोक देंगे, ठीक है, माइनस अगर देख लिया जाए लॉग एक्स को रोक देंगे और उसके बाद में सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब बाई थ्री, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन वन अपान एक्स, इसका लॉग इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे इनटू में कितना एक्स क्यूब बाई
यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन एक बार देख लेते हैं, एस क्यूब बाई थ्री यही तो बात निकल के आएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि x से x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इक्वल टू अगर देख लिया जाए तो इसको ऐसे भी लिख दें क्या कि एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू लाग एक्स माइनस, यहाँ से देख लिया जाए एक्स स्क्वायर बाई थ्री। ठीक है, तो i इक्वल टू अगर देख लिया जाए एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू ये हो जाएगा लाग एक्स माइनस एक्स पावर थ्री बाई नाइन प्लस सी। तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा, बहुत ही स्मूथली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में एक और क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर एट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर एट देखें, क्वेश्चन नंबर एट कह रखा है कि एक्स टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे देख लिया जाए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट को कैसे सॉल्व करते हैं देखें। यहाँ पे अगर देख लिया जाए फर्स्ट फंक्शन किसको मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन हमने बताया टैन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, सेकेंड फंक्शन किसको मान लेते हैं, एक्स को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। तो एक बार बताओ कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये हुआ, ये सेकेंड फंक्शन हुआ, तो आई इक्वल टू अगर देख लिया जाए तो हमारा काम होगा टैन इनवर्स एक्स को रोक देंगे। ठीक है, इसका कितना जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा माइनस, अब देखें इन टैन इनवर्स एक्स को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये बनेगा सिचुएशन। ठीक है भाई, यहाँ पे आई इक्वल टू टैन इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें क्या बनेगा, आई इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, माइनस अगर यहाँ पे देखा जाए वन बाई टू यहाँ से कॉमन ले लें तो इंटीग्रेशन अब हमको किसका करना पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें क्वेश्चन को एक बार फिर से समझें कि ये अब हमको इंटीग्रेशन इसका करना पड़ेगा, तो i इक्वल टू अगर देख लिया जाए तो ये अगर लिखा जाए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्लस एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन। ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमको एक बात समझ में आ रही है क्या कि यहाँ पे वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाला बचेगा एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टैन इनवर्स, ये तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, माइनस वन बाई टू, यहाँ से हमारा काम होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा कितना माइनस का वन अपान एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखें सिचुएशन क्या हमारे पास बन रही है, इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा तो हम देखें आई इक्वल टू अगर क्या लिखा जाए कि एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा माइनस का, अगर देख लिया जाए ये हो जाएगा कितना टैन इनवर्स x। ठीक है, और प्लस का c, अब देख लिया जाए i इक्वल टू कितना बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टैन इनवर्स x माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ पे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्लस का वन बाई टू टैन इनवर्स x प्लस c। चाहें तो टैन इनवर्स यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ आई इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं कि टैन इनवर्स, ठीक है, एक्स, और ये हमारे पास इसको ऐसे थोड़ा व्यवस्थित थोड़ा और ढंग से लिख दें क्या कि ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू ब्रैकेट में हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं फिर हम बता देते हैं सिचुएशन क्या बन रही है। ठीक है, ये निकल के आ रहा है कि एक्स स्क्वायर कामन नहीं लिया गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, ठीक है, मतलब माइनस एक्स बाई टू, और प्लस का टू वन अपॉइंट टू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, कामन नहीं लिया गया है, हमें कामन नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, तो आप जो है कामन ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इतना ही छोड़ दें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन थे हमारे पास। ठीक, और इसी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो नाइन है वो बिल्कुल सेम इसी टाइप से है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है,
तो एक्स कॉस इनवर्स को हम लोग भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हमें नहीं लगता ये सब बताने की आवश्यकता है, आप स्वयं अपने हिसाब से कर लें, ठीक है। एक्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये जो है आप अपने हिसाब से ही करें, ठीक है। और यदि कोई डाउट आता है तो हम बता देंगे, ठीक है। तो इस अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके नोट भी कर लें, और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पहुँचे, कमेंट करें और चीज़ें अपने आप हमको बताएं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।